और खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के बड़गांव से जवानों का एक वीडियो सामने आया है जिसमें भारी बर्फबारी के बीच सीमा पर जवान मुस्तैदी से डटे दिखाई दिए। वीडियो में पूरे इलाके में कई फीट बर्फ जमी दिखी। इसके बाद भी देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर सीआरपीएफ जवान गश्त करते दिखे। जवान बर्फ से ढकी ऊंची पहाड़ी पर हाथों में हथियार लिए हर जगह पर नजर बनाए हुए लगातार गश्त करते दिखे। बेसिकली यहाँ पे देखिए वेदर कंडीशन काफी हराश है, स्पेशली इन विंटर्स लगातार 3-4 महीने यहाँ बर्फ रहती है, कम से कम 4-5 फुट यहाँ पे बर्फ इस टाइम पे रहती है। सीमा के पास पहाड़ों पर अभी घनी बर्फ जमी है, इसके साथ ही वहाँ अभी भी जमकर बर्फबारी हो रही है। इसके बाद भी सीआरपीएफ के जवान सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो इसके लिए प्रतिबद्ध दिखे। हमारी जो ट्रूप्स है वो 24/7 पूरे जोश और जज्बे के साथ इस पूरे क्षेत्र में अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है। ऐसी कपकपाती ठंड के बावजूद जवानों के हौसले बुलंद है और वो सरहद पर ड्यूटी कर रहे हैं ताकि देश की सीमा सुरक्षित रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नागालैंड दौरे पर हैं, जहां पर वो एक मेगा रोड शो में हिस्सा लेंगे। अमित शाह इस दौरान एक रैली को संबोधित कर पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। अमित शाह की जनसभा आज दोपहर 3:30 बजे है, जो पब्लिक ग्राउंड में होगी। नागालैंड की 60 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मतों की गिनती 2 मार्च को होगी। भूकंप से तबाह हुए तुर्की में भारतीय जवानों के शानदार काम ने लोगों का दिल जीत लिया। तुर्की में अपना काम खत्म करके वापस लौटते समय लोगों ने एनडीआरएफ के जवानों का शुक्रिया अदा किया। लोगों ने तालियों के साथ भारतीय टीम को विदा किया। भूकंप की वजह से तुर्की और सीरिया में 46,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 4.25 लाख इमारतों को नुकसान पहुंचा है। उधर मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने नई शराब नीति का ऐलान कर दिया, जिसके तहत राज्य में शराब पीने के लिए बने सभी आहाते बंद करने के निर्देश दिए गए और शराब की दुकानों पर बैठकर शराब पीने पर भी रोक लगा दी गई, जबकि धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों से शराब की दुकानों की दूरी को 50 मीटर से बढ़ाकर 100 मीटर कर दिया गया। शराब को हतोत्साहित करने की दिशा में सरकार बड़ा कदम उठाया है। वहीं शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ भी सख्ती बढ़ाने की तैयारी है, जिसमें उनके ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने को लेकर भी नियम बनाए जाएंगे। उधर अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने संयुक्त हवाई अभ्यास किया। दोनों देशों ने यह अभ्यास नॉर्थ कोरिया के ICBM मिसाइल लॉन्च के एक दिन बाद किया, जिसमें अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने अपने अत्याधुनिक विमानों के साथ अभ्यास किया, जिसमें अमेरिका की B-1B बॉम्बर F-16 और दक्षिण कोरिया के F-35A F-15 के फाइटर जेट शामिल हुए। हवाई अभ्यास का ये वीडियो भी सामने आया, जिसमें अमेरिकी B-1B बॉम्बर को F-16, F-35A, F-15 के जैसे फाइटर स्कॉट करते दिखे। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने यह अभ्यास उत्तर कोरिया के फिर से मिसाइल लॉन्च करने के बाद किया। उत्तर कोरिया ने जापान के पश्चिमी तट से समुद्र में लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की थी, जिसके बाद फिर से तनाव बढ़ गया। जापान ने उत्तर कोरिया पर आरोप लगाया था कि मिसाइल उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर पानी में गिरी थी। इससे पहले पिछले साल भी उत्तर कोरिया ने बड़ी संख्या में मिसाइलें दागी थी, जिनमें ICBM भी शामिल थी।